गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम जा रहे हैं कई स्पेशल जगह पे, जो कि मैं बता ही देती हूँ, वो है जूनागढ़ बीकानेर। और हम निकल गए थे अपने घर से और इसके बाद हम जैसे जैसे जहाँ जहाँ भी रुके आप लोगों को मैं दिखाती रहूँगी इस व्लॉग में। तो चलो चलते हैं। और ये है मेरे गांव से निकलते ही खेत और खेतों में से होती हुई ये रोड निकल रही है और हम पहुँच जाएँगे थोड़ी देर में मेन रोड पर। और हमें निकलना था सुबह 4 बजे, बट करते 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 लेट हो गए और फिर हम निकले लगभग 6 बजे। और ये देखो सूरज निकल चुका था और मतलब अच्छा व्यू था, बट हमें 4 बजे निकलना था, थोड़ा लेट हो गए, बट फिर भी चलो ट्राई करेंगे पहुंचने की जल्दी। लगा भाई जी ऐसे लड़ पर काम कर रहा है। लगा सरिया का भी तो काम। अरे अब तो मैं इधर फिनिश सही है क्या? गाइस इस कुत्ते को पीछे उठा नहीं, ये कुत्ता है कुत्ता। हेलो ये वो नहीं है बगी अब इन पीछे। इसके बाद मैंने शुरू किया मेकअप, जो कि गाड़ी में कर रही थी क्योंकि सुबह मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, टमी पेन हो रहा था। तो मैंने सोचा चलो आगे जैसे ही ठीक होगा, मैंने टेबलेट ले ली थी कि ठीक होगा तो कर लेंगे, नहीं तो जाके होटल में नहाना तो है ही, रेडी होना है उसके बाद ही शूट वगैरह। मेरी को नहीं मेरे है बैंको इनो संग घूम मेरा अपना पकड़े के बाद डायरेक्ट ये रेस्टोरेंट की वीडियो, क्योंकि बीच के जितने भी वीडियोस थे सारे के सारे डिलीट हो गए मुझसे, पता नहीं क्यों क्या हुआ, एडिट की हुई डिलीट हो गई, तो फिर जो जो बची फिर मैं उन्हीं को ही ऐड कर रही हूँ बाकी बची हुई वीडियोस को। और इसके बाद पहुंच जाते हैं हम अपने होटल और फिर ये लास्ट का ही था, इसके बाद हम सो गए थे। थोड़ा बहुत सोचा कि मस्ती कर लेते हैं, बट मस्ती वाला कुछ भी नहीं बचा था, एनर्जी तो बिल्कुल ख़त्म हो चुकी थी। तो हम खाना खाए और सो गए थे। खाना खाने वो तो मैंने वीडियो दिखाई थी, उसके बाद थोड़ी देर हमने की मस्ती और फिर तो बस सोना ही था। और हम पहुँच चुके अपने होटल और होटल का व्यू मैंने आपको दिखाई दिया था अंदर का, तो देखो क्या
क्या हो रहा है, क्योंकि हम रेडी होके जैसे ही निकले थे वैसे के वैसे छोड़ गए थे, क्योंकि वापस तो आना ही था 2 घंटे बाद, और क्योंकि टाइम बहुत कम था और शूट करके आना था। करे तो बारिश होने लग रही है, ठंडे की गर्मी के बाद हम आए जूनागढ़, जिसके लिए हम आए थे बीकानेर, और फाइनली हम वहाँ पे आ गए। पहले हमने और जगह पे शूट किया और फिर यहाँ तो आना ही था हमें, और गर्मी भी बहुत ज़्यादा हो रखी, तो दोपहर के बज रखी थे 1:30-2, और फिर हमें अंदर जाते जाते गार्ड ने हमें बताया कि इस साइड से जाओ ऐसे ऐसे। हमने गार्ड नहीं लिया था क्योंकि मैं तो यहाँ पे ऑलरेडी 2 बार आ चुकी हूँ, तो मुझे तो वो नहीं था, आना था मेन शूट के लिए आना था और सिस्टर को आना था, तो करके इनके लिए मैं आई। और फिर चलो मिलते हैं आगे जाके। और ये है राजा का रेस्ट रूम जहाँ पे वो विश्राम करते होते थे, और ये ऊपर देखो फैन लगा हुआ कितना बड़ा है। अंदर थोड़ी जमा आपा और ये है राजा की चेयर जहाँ पे मीटिंग्स वगैरह होती थी, जहाँ पे राजा बैठते थे। ये इधर पर्चा बैठती थी, पर्चा के लिए जो हॉल बनाया गया वो है ये, और इसमें इतनी अच्छी अच्छी छोटी छोटी वो कलाकृतियाँ क्या बोलते हैं उसको, कला उनकी, उससे मतलब वो ऐसे किया हुआ है। और मैं थोड़ा पास में जाके आपको दिखाऊंगी कि मतलब जो उनकी दीवारें हैं वो कैसे कैसे बनाई गई है इसमें, मतलब जब देखते हैं ना तो अलग ही फील आता है कि यार कितना टाइम लगा होगा इसको बनाने में। मतलब बहुत ही अच्छा फील होता है कि ये कि राजस्थान की हिस्ट्री कितनी अच्छी है, जब किसी और को भी बताओ तो कितना अच्छा लगता है कि यहाँ पे क्या क्या था, जब जाके देखते हैं तब जाके पता लगता है कि ये भी था यहाँ पे। क्या हुआ? वाओ, जो ओल्ड पुलिस के पास जो गन होती थी ना, विवाह
बेगम जगह में कितने कम गया वे फोन करेगा तो कट गया फुल एंजॉय करने के बाद हम निकल गए वहाँ से, क्योंकि बारिश होने लगी थी, मौसम भी बहुत ज़्यादा ख़राब हो रखा था, ऊपर से न्यूज़ भी थी कि वो जो तूफान आने वाला है वो आएगा, तो हम वहाँ से निकल गए। हेलो आ मंग के है दूध दे दे दूध ना दूध दे दूध ना दूध दे हमारी मेन लोकेशन पे जो हमें चाहिए थी, और अब होगा हमारा फोटोशूट। और ये देखो नीचे यहाँ पे ये गांव सा, और ये वहाँ पे मंदिर है, और मौसम देखो कितना प्यारा हो रखा है, और ये रोड यहाँ पे कोई कुछ नहीं है, कोई आता रहता है नहीं, यहाँ पे सिर्फ हम और हम, यहाँ पे है हम और हम, ये दूसरी साइड का। और ये अब होगा मेरा यहाँ पे शूट स्टार्ट। पहली बार तो बारी
ना। हेलो Yes. मैं दिख रहा हूँ। Yes. ये बंदूक दिख रही है? नहीं। ये बंदूक की जगह द्रौपदी दिख रही है। ये वाली बंदूक दिख रही है। ये बंदूक दिख रही है। ये दिखाओ ना फिर ज़ूम करके। ये कैसे ताली? ज़ूम करके दिखा दिया। इसके बाद निकल गए हम हमारे घर की ओर, क्योंकि नाइट हो चुकी थी, लगभग 9-10 बज चुके थे और अब हमें घर भी पहुंचना था। और यहीं करते हैं हमारे व्लॉग का एंड और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।